लखनऊ रहे हो, इतना ही नहीं पता आपको? पता है ये सारे दरवाजे हैं, बाकी जो है क्या है यार। पता है मुझे पूछ रहे तो एक सवाल और पूछ, ये भाई साहब हमको मिले हैं यहीं पुराने लखनऊ में घूम रहे हैं। क्या दिखाओ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नया बादशाह, नया बादशाह इस्माइल भाई का इंसानियत में पैगाम। हाँ इस्माइल भाई बचा लिया, प्रैक्टिकल देता भाई। क्या देखिए, ये काम जो है हम आज से नहीं करीब 10 सालों से कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता को, लोगों को बुराई से बचाने के लिए संदेश दे रहा हूँ। कैसे बचाएंगे बुराई से? बुराई से हमको कैसे बचना है, लोगों के घर में गीता है, कुरान है, देखे और बचे, और जब तक इंसान बुराइयों से नहीं बचेगा हमारा देश नहीं बचेगा। जय सिया राम हो या हो नारे तकबीर, और नहीं बना पाएंगे हम सब एक बने और देश की ताकत बने, जब ही बनेगी तकदीर और जब ही होगी हमारे देश के जो सुनो से जीत। कैसे एक होंगे, कैसे क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? अब यही तो मैंने आवाज हम ले करके आए, खाली कहने से ही तो इंसान बुराई से बचता है, डंडे से थोड़ी ना बचता है। इंसान कह देता तो असर पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं, अगर हम डंडा लेके बुराई से बचाएंगे तो इंसान जिद हो जाता, जिद्दी हो जाता। करते क्या है इस्माइल जी? ऐसे तो मैं टाली चलाता हूँ, ये जो बोझ ढोने वाली होती है रिक्शा, और रिक्शा चला करके ही अपनी जिंदगी को पार कर रहा हूँ। घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारे 5 परिवार है, मतलब 4 लड़की 1 लड़का, उसमें से 3 लड़कियों की शादी हो गई है, 1 लड़की 1 लड़का बचा है। कितना पढ़ाए बच्चों को? बच्चे देखिए जितनी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से हमने पढ़ा दिया बच्चों को, अपनी चिट्ठी जो है लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि अपनी हैसियत के हिसाब से इतना नहीं पढ़ाया है जो उनको हम कहीं पे नौकरी, और नौकरी ऐसे भी नहीं मिलना, बहुत मुश्किल है ना। तो अपनी पढ़ाया लिखाया होता तो मिल जाती नौकरी, पढ़ाया नहीं वो तो बात ठीक है। इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि हम गरीब थे, पैसा इतना था नहीं, और पढ़ाई स्कूल था। अरे वो तो ठीक है, सरकारी स्कूल था सही है, अपने हिसाब से अपने वहाँ क्यों नहीं भेजा? नहीं गए बच्चे, गए अपने जैसे अपने हैसियत के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है इंसान को दीदी बच्चों की सही राय देना, हम जो कुछ भी कमा के लाए हैं इसी में गुजारा करो, इसी में अपनी इज्जत को, अपने ईमान को बचाओ, ये राय ज़्यादा जरूरी तो देना होता बच्चों को। तो नहीं पढ़ाई लिखाई की बात, वो तो इंसान अगर हैसियत हो खूब पढ़ाई लिखाई अपने, और क्या। आप कह रहे हैं ये हैसियत नहीं थी, पैसे की कमी थी, जी जी, इसलिए नहीं पढ़ा पाए। जी जी, अभी ये काम क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं, या तो हमें शौक हो, या तो हो सकता है ऊपर वाला हमसे इस काम को लेना चाहता हो, ऐसा भी हो। कब से कर रहे हैं ये? हम करीब हमको 10 साल हो गए, और 10 साल से हम जिस काम को कर रहे हैं, कभी हफ्ते में एक बार निकलते, कभी 15 दिन में, कभी कभी लोगों से मिलते हैं आप तो टहलने लोगों नहीं नहीं पैगाम देते हैं, जहाँ पे भीड़ जरूर देखिए के लिए। ये देखिए इतने चैनलों पे हम आ चुके हैं, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे हमने लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रहे थे, मास्क लगाए रही है, दूरी बनाए रही है, तो जब तक 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा तब तक 3 महीने हम बराबर निकलते रहे। ये अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बारे में हम क्या पैगाम दे रहे हैं? चुनाव में लोगों ने हमसे पूछा अब की सरकार किसकी बनेगी, मैं उनको यही जवाब दिया है, सरकार किसी की भी बने और काम जनता का बने, बस जनता की परेशानी का मसले को हल किया जाए। इस्माइल भाई जो है इतना घूमते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, सब जगह जगह जाके तो लोग पूछते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, सरकार कौन सी ठीक है, इंसानियत के लिए कौन काम करेगा? लोग पूछते हैं, हम ये जवाब देते हैं, सरकार किसी की भी बने, जनता का काम बने, बस उसकी परेशानी का मसले को हल किया जाए, और सरकार कोई भी बुरी नहीं होती है। आज से 5 साल पहले सरकार थी, 10 साल पहले सरकार थी, पिछले साल कोई सरकार बुरी नहीं होती, बुरा इंसान इंसान होता है। अच्छा हाँ, बुरा इंसान होता है जब सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार सब अच्छी होती। अभी सारा इंसान एक पड़ोसी का ख्याल, सरकार जो है योगी जी की कैसी है? बस अभी अभी हमने क्या कहा, सरकार कोई बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती सरकार। अब उन्होंने जो कुछ भी किया जनता सब समझती है, सब जानती है, पर जो भी आएगी सरकार वो भी वही काम करेगी। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, क्या कहना, ये तो मान लीजिए क्यों अच्छे है? अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो है जो कुछ भी काम किया, क्या काम किया, अब क्या काम किया जनता सब समझ रही क्या काम किया, मैं नहीं बता सकता हूँ क्या काम किया, वो तो बात ठीक है, मगर मैं ये बताता हूँ कोई भी इंसान हो उसके अंदर का थोड़ा सा अगर ऐब है, कमी है, तो जनता को चाहिए उसको सुधारने की कोशिश करे, अपने आप को सुधारे, ये नहीं हमारे मोहल्ले में कोई चोर हो गया तो उसको ले गए थाने में जमा कर दिया।
ऐसा नहीं, अगर चोर हो गया तो उससे पहले पूछा जाए भाई आपने चोरी क्यों की। अगर वो कहता हमने मजबूरी में चोरी की तो उसकी पहले मजबूरी को दूर किया जाए। अच्छा, उसको कारोबार बिजनेस कौन दूर करेगा मजबूरी? अब भाई जनजे जनता ही का एक दूसरे का ख्याल करते है ना, एक पड़ोसी और क्या, पड़ोसी इंसान पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल करे, और उस मोहल्ले का जो विधायक है जो सभासद है अपने अपने एरिया का, उनको चाहिए हमारे मसले को मोहल्ले को दे करके उसको आसानी से छुपाया जाए। बस यही हमारा संदेश है लोगों को जगाना। जाग रहे हैं लोग? बिल्कुल जगेंगे इंशाल्लाह, और जब तक बिल्कुल जगेंगे, और सबसे ज्यादा जगना तो यही है लोग हमारी बातों को बुरा नहीं मानते। अब ये क्या कम है क्या, ऐसा क्या बोल देते हैं बुरा मान जाएंगे? हाँ यही मतलब कह रहे, मतलब बुरा नहीं मानते। अब जब बुरा नहीं मानेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कल को हुकूमत तक की अगर खबर पहुँचेगी हुकूमत भी हमारे इस काम को आगे बढ़ाएगी। जय हिंद जय भारत। चुनाव में किसी के लिए आप कैंपेन? नहीं नहीं नहीं, चुनाव के लिए मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। फला को वोट दो, फला को वोट दो, मैं यही कहता हूँ सरकार। आप क्या देख कर वोट देते हैं जी? वोट देते हैं आप? भाई देखिए वोट जो होता है, मैं कोई एक आम आदमी इस वक्त तो नहीं हूँ, ये समझ लीजिए मैं एक कुछ काम कर रहा हूँ उससे बहुत असर पड़ेगा। आम आदमी नहीं, इस वक्त मैं अपना कुछ मिशन चला रहा हूँ, तो हमको किसको वोट देना है ये अपने मन की बात अपने दिल में रखे हैं। बाकी जनता को क्या देख कर देते हैं? वोट तो देना जरूरी है, बस जरूरी तो है। हाँ वोट देना जरूरी है, बाकी सरकार किसी की बने काम जनता का बने, हमारा ये कहने का मतलब है। आदमी को चाहिए अपने वोट को बेकार ना करे, वोट दिया जाए, हर आदमी का अपना काम धंधा छोड़ करके वोट दे। मगर हम ये नहीं बताने आए फला को वोट दो फला को ना दो, ये नहीं बताने आए। अच्छा जी, ये यही कौन सी विधानसभा पड़ती है? उत्तर उत्तर यहाँ से विधायक नीरज बोरा है। अभी यहाँ गाड़ी गुजर रही थी, कैसे चल रहा चुनाव उनका? अच्छा है, उन्हीं का बहुत सब लहर उन्हीं की है। नीरज बोरा की लहर है, कैसे कैसा काम रहा उनका विधायकी के तौर पर? काम तो नज़र तो अब तो इधर तो आए नहीं, इधर अपने एरिया में हुसैनाबाद साइड पे तो नज़र नहीं आए। क्या करते हो? हम भी फार्मा करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप? सब्जी की आड़त है। कहाँ पर? यही पर मंडी मंडी में। तो क्या मुद्दे हैं विधायक जी, काम कैसा रहा है? काम पता ही नहीं है, यहाँ पे तो आए नहीं है। जो पुराना लखनऊ है जैसे ये सपा सरकार में यहाँ पे विकास अच्छा हुआ है, पर भाजपा सरकार में यहाँ पे विकास की कोई पर जैसे दोस्त अभी तुम कह रहे थे कि माहौल तो नीरज बोरा का चल रहा है, वो कैसे पता चला? आप कह रहे हो काम नहीं किया, दिखे नहीं। कोई और प्रत्याशी इतना अच्छा नहीं है, नीरज बोरा डॉक्टर नीरज बोरा बराबर कोई और प्रत्याशी नहीं। समाजवादी से जो है तो इतनी मजबूत कैंडिडेट नहीं है मेरे हिसाब से। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का यहाँ में, वो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का जो दौर था तो उस उनके मुकाबले डाउन नहीं है। और बाकी साइकिल की लाइन वहाँ पे तो आराम से वन साइड जीत जाते हैं, लेकिन पूजा शुक्ला तो फाइट में ही नहीं दिख रही है। अच्छा डमी कैंडिडेट क्या मतलब हुआ इसका? मतलब लोअर है, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने उनकी मर्जी बीजेपी वालों की मर्जी? नहीं नहीं, मतलब ये नहीं कहने का मतलब, मतलब कहने का मतलब ये है उनके सामने बहुत कमजोर खड़ा कर दिया। बीएसपी का यहाँ पे कैंडिडेट अच्छे हैं। क्या नाम है? नाम उनका ये कान करके नहीं नाम नहीं उनका ध्यान आ रहा, उन अच्छा है उनका नाम बीएसपी करके। और मुद्दे क्या है क्षेत्र के? क्षेत्र के मुद्दे ये हैं, वोट डाला इससे पहले? नहीं वोट डाला है हमने। डाला है? जी। क्या देख के वोट डालते हैं? कौन करे मतलब विकास कौन करे अपने क्षेत्र का, सब देख के डाला है। लालू यादव बढ़िया है, बिहार से हैं क्या हम लोग? ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशांत सिंह। सुशांत सिंह क्यों फैन है लालू यादव के? देखिए लालू यादव के फैन इसलिए हैं, पहले तो कॉमेडी बहुत करते हैं और दूसरी बात, हाँ कॉमेडी कर लेते हो कुछ कॉमेडी तुम भी? नहीं हम उनके साथ कॉमेडी नहीं, हम फैन हैं उनके खाली। क्यों फैन हो? बस ऐसे ही फैन है, वो भाजपा के बहुत बड़े विपक्षी हैं तो हम उनके फैन हो गए। अच्छा भाजपा के विपक्षी हैं? हाँ इसलिए आज सीबीआई का हम सपोर्ट भाजपा को। चारा घोटाले में उनको जो है? अरे तो हम कब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, लेकिन हम फैन उनकी कॉमेडी के, बात ये चल रहा है। कॉमेडी से फैन होते हो नेता के काम से होते हो? हम तो लालू यादव की कॉमेडी से होंगे, बाकी सबके काम से। अच्छा
किसका काम पसंद है बाकी? हमको योगी जी का काम पसंद है। कहाँ रहने वाले हो? हम कुशीनगर के। कुशीनगर से घूमने आए हो? हाँ। ये तुम क्या लगाए हुए हो? ये बर्थडे था। बर्थडे इनका बर्थडे था। अच्छा, अखिलेश सरकार में जो विकास हुसैनाबाद का हुआ है वो योगी सरकार में नहीं हो पाया है, और उन्होंने यहाँ पे झांकने तलक की गुंजाइश नहीं दी है। जो ऐसा क्यों है? ऐसा ये यूँ है, जो आप मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ का जो विकास हुआ है तो वो अखिलेश जी तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है इसलिए बीजेपी यहाँ काम नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कहने का मतलब है, पर ये है हिंदू इलाकों में भी नहीं काम कराया इन्होंने। अच्छा, आपने काम ही नहीं कराया? नहीं कराया। खम्भों में लाइटें बैठने के अलावा योगी जी जिंदाबाद। भाई लोग उन गाएंगे, मोबाइल मिला है हमको, लैपटॉप मिला है, बीएससी पढ़ा मोबाइल योगी जी ने दिया है, हमको इंडिया अभी हमको मिला है 25 के आसपास। क्या क्या है इसमें? इसमें काफी कुछ है, सारे ऑप्शन है जो हम पढ़ सकते हैं। अगर इसकी जगह पे योगी जी जॉब दे देते तो ये मोबाइल हम खुद ही खरीदते। वी आर नेवर वांट जॉब, वी आर नो क्वालिफिकेशन फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट, इफ यू आर क्वालिफाइड सो वी आर granted any kind of job. ये अखिलेश जी ने दिया है। खुश हो गए फोन में, खुश है, जिंदगी पार है, तरक्की कर जाएंगे, नस्लें खाएंगे, फोन कमा के देगा, फोन माँ बाप को खिलाएगा, फोन औलाद को। फोन दिया था ना हमें, प्रधानमंत्री हम ये कह रहे हैं दिन गुजारो मोदी के राज में, विकास रहेगा ख्वाब में, फटूरा रहेगा हाथ में। कुछ दिन गुजारो मोदी के राज में, विकास रहेगा ख्वाब में, फटूरा रहेगा हाथ में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि देश ने करोड़ नौकरियों का वादा किया था, प्रधानमंत्री ने वो नौकरियां कहां है? मुख्यमंत्री हो गया। क्या नाम है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन, मैं टेलीकॉम का काम करता हूँ। टेलीकॉम मतलब टेलीकॉम में क्या करते हैं? टेलीकॉम में वोडाफोन में। वोडाफोन नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, आज कल मेरी इनकम 5,000 रुपए चला रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आज सिलेंडर क्या रेट है आप ये बताइए? पेट्रोल 100 रुपए में है, देश महंगाई की मार खा रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश को बेच डाला, एयरपोर्ट बिका। किसको बेच दिया? प्राइवेट हाथों, सब प्राइवेट संपत्तियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को सौंपा दिया। गलत हो रहा है? गलत तो है ही। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देश का प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। गरीब पर नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती दोस्त। लेकिन भाई लेकिन नौकरियां सबको अच्छा, तो मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो स्टूडेंट अभी आपने देखा होगा अभी इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ कि नौकरियां मांगा तो वहां लाठियां पड़ी। गलत है। एजुकेशन नौकरियां मांगने पर क्या लाठियां मिलेंगी हम लोगों को? हम नौजवान हैं, अगर हमें नौकरी। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन किस चीज़? मतलब बीएससी बीए क्या किया? बीए किया है। तो बीए पास करने के बाद आपके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, क्यों नौकरी मिलनी चाहिए आपको? मुझे नहीं, चलिए मेरे पास क्वालिफिकेशन की तैयारी की नहीं करी, जो कर रहा है, जो एजुकेशन इलाहाबाद के अंदर जो हुआ है वो गलत है कि नहीं गलत है? इलाहाबाद के अंदर लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज करें, स्टूडेंट के ऊपर गलत है नहीं गलत? अगर हम रोजगार मांगेंगे क्या हमारे ऊपर लाठियां चार्ज करेंगे? क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, खाली किसी ने बीए पास किया उसको नौकरी कैसे? उसको नहीं मिलेगी। एजुकेशन जो फॉर्म भरे रेलवे के अंदर परीक्षा रद्द कर दी गई, गलत है सरासर। और युवाओं का हम उठाएंगे, ऐसा तो नहीं कि हम चुपचाप मौन रख के बैठा रहूंगा। क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? माहौल ये दिख रहा है समाजवादी की सरकार आने वाली है प्रदेश के अंदर, और युवाओं को रोजगार चाहिए। हमें 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 900 रुपए का सिलेंडर। आज से सिलेंडर कितने रुपए में था? 350-420 रुपए में सिलेंडर था। महंगाई मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। लोग प्रदेश प्रदेश के अंदर लोग धर्म के नाम पर, हम अब से धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, गरीब मजदूरों के नाम पर मजदूर मारा जा रहा है। चाहे नकाब की चल जाए, चाहे तीन तलाक की चल जाए, कोई लहर एक चल जाएगी वोट उधर। ये नकाब का जिक्र किया आपने, नौजवान साथी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पर क्या पक्ष है आप लोग? हमारा ये पक्ष है, देश के अंदर देश ने सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई नकाब भी पहन सकता है, कोई बिकनी पहन के भी रोड पे टहल सकती है, तो इसमें क्या मुद्दा होना चाहिए? कौन करता है ये तय? जो
जब हमारे संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है भाई, वो खुद तय करता है। हां मैं यही, वो उसकी अपनी खुद एक जो जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनती है क्या वो खुद तय करती हैं? ये वो खुद चॉइस का, वो खुद तय करती है, वो चॉइस है अबाउ में छाना है कि वो अपने चॉइस पे बिल्कुल कि भाई एक परंपरा चली आ रही है हिंदुओं में पर्दे पल्लू डालने की परंपरा, अभी नकाब है। अब मुसलमान हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का मुसलमान भाई बर्थ जैसे नाम है, सबको बोलने का मौका दिया जाए। पहली चीज क्या करते हैं दिग्विजय, हम प्राइवेट जॉब करते हैं। आपने जैसे पहली चीज वाले एक है, नहीं मैं बाराबंकी के मूल निवासी हूँ, बगल में जस्ट सतारा डिस्ट्रिक्ट है जी जी। अब ये भाई साहब ने ग्रेजुएशन किया है तो इनको इस तरह की जॉब मिल गई, हमने उससे थोड़ा बढ़ के MBA किया है, हमको थोड़ा उससे बेहतर जॉब मिल गई, किसी ने 10 साल IAS PCS की तैयारी की उसको उस स्तर की जॉब मिल गई। कहने का मतलब जिसकी जितनी काबिलियत उसको उस हिसाब से जॉब। डिस्कशन डिबेट का यहाँ कोई मुद्दा है नहीं, सब आपस में भाई बंधु हैं। अब आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, लोगों को लगा शिक्षा स्तर बढ़ा हिंदू समाज में, उन्होंने कहा ये बंद होनी चाहिए, वो बंद कर दी गई। पर्दा प्रथा थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गई। अब व्यक्ति विशेष लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है, पूरा देश जिन सानिया मिर्जा को देश की बेटी मानता है, कुछ व्यक्ति विशेष लोग उसमें मौलाना भी शामिल है, उनको आप विरोध कर रहे हैं कि सानिया मिर्जा को स्कर्ट में टेनिस नहीं खेलना चाहिए, हिजाब में टेनिस खेलना, क्या ये आप बताइए पॉसिबल है? आपने लगातार देश ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको संवैधानिक अधिकार, कोई आप बुरखा पहन के रोड के ऊपर चले या कोई दिखनी पहन के चले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मौलाना पंडित नहीं तय करेगा, ये जो पहन रहा है वो तय करेगा उसे क्या पहनना है। कोई मौलाना ये होता है भाई, देखिए इसमें कोई मौलाना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो लड़कियां खुद पढ़े लिखे साथी हैं, सच बताइए। मौलाना नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब पहनने के लिए। अगर वो दबाव में होती तो कैमरे के सामने है और जनता के सामने तो अपनी बात रख सकती थी। अगर कोई उनके पीठ पीछे बंदूक लिए छुरा लिए नहीं बैठा है कि तुम करो, तुम नारे लगाओ, तुम लड़ रही है अकेले लड़ रही है। सरकार तय करेगी क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्या हम लेंगे। कोई सरकार ने नियम तो लाया नहीं कि हिजाब पहनते हैं। वहां पे क्या हुआ, जय श्री राम के नारे सब भाई नेता कोई नहीं, सब कोई भाई नेता नहीं है, हम सब भाई हैं, हम सब नहीं है। ये लखनऊ की तहजीब है, हम सब खासियत है, हम हमेशा आगे बैठे, हर किसी आगे बैठे। क्या नाम है आपका? मैं सोहराब खान सरताज नाम मेरा। कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ, पीछे 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 वाला था। क्या दिख रहा है माहौल? वैसे यहाँ भी चर्चा चल रही थी, हिजाब बुकरे चल रही थी, बातचीत चल रही थी, इसमें भाई साहब ने कहा बुकरे पर इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा सीधा साफ है, रोजगार जो मुद्दा है सरकार इसको एडिट करिएगा क्योंकि कोई प्रमोशनल इवेंट तो है नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टी का। इस समय सरकार बीजेपी की जा रही है, वो भड़काने के लिए कुछ भी कर सकती है, बस वो ये मुद्दा है, उनके पास कोई मुद्दा बचा रही है, बस यही मुद्दा है। अच्छा आप कह रहे हैं ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? नहीं, देखिए हमारा तो देश है जहाँ पर अंग्रेजों ने किस तरीके से राज किया, आप भी जानते हैं क्या पॉलिसी बनाई, तोड़ो आप पॉलिसी अपनाई थी। एक वक्त भाई सुनिए साहब, एक वक्त ऐसा था कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने कब्जा किया इसी मुद्दे में, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, हिंदुओं से कहा कि मुसलमान जो गाय की चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों से कहा कि हिंदू सूर्य चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को आपस में इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करी, इससे उन्होंने राज करते धीरे धीरे। आज की पॉलिसी जो बीजेपी सरकार वही पॉलिसी इस्तेमाल करती है, हिंदुओं में कुछ कर डिवाइड रूल, सीधा मतलब क्या है, कभी वो हिजाब को उठा लेती है, कभी मथुरा को उठा लेती है, कभी राम मंदिर पास में कोई मुद्दे नहीं बचे। एक बात बताइए, जो राम मंदिर का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, माने रखा कि नहीं रखा गया, किसी मुसलमान के किसी ने कोई प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं किया, हम सब भी चाहते हैं कि इत्तेहाद कायम रहे, हिंदू मुसलमान सब एक चले। जब देश आज़ाद कराया गया था तो हिंदू भगत सिंह भी थे, राजगुरु भी थे, अशफाकुल्ला खान साहब भी थे, सबके सबने कुर्बानी दी। ये वही आपका काकोरी जहाँ पे एक एक पेन गवाही दे रहा था कि हरा रुमाल लटकाया गया था, सबसे पहले क्रांतिकारी यहाँ उठाते, क्रांति आपकी काकोरी से उठाई गई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं हम नौजवान तय करेंगे कि भविष्य का जो यहाँ पूरी पूरी हिंदू मुसलमान करती हैं, हिंदू मुसलमान हो गए मान के अब नहीं होगा, इस बार चलेगा ही नहीं। आपके बीच में ये युवा पीढ़ी है, इस देश में सबसे ज्यादा इसमें युवा है, युवा ही तय करेंगे कि क्या सरकार आएगी। हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने माता बहनों सेफ्टी चाहिए,
हमारा गांव सेफ होना चाहिए, हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। हमें वो सरकार नहीं चाहिए कि कोई ट्रक चढ़ा के लेके चला जाए, हमें वो सरकार चाहिए जो गेहूं की कीमत को बढ़ाए, हमें वो सरकार चाहिए जो खाद और सही सामग्री उपलब्ध कराए। माता बहनों की आपने सेफ्टी की बात की जी, तो जब सेफ्टी की बात होती सरकार गई, सरकार ये वो सरकार जिन रात 3 बजे हिंदू प्रथा को तोड़ते हुए रात 3 बजे केरोसिन जला के डाल दिया जाता है, बीमारी लड़की को दफनाया जाता है, बल्कि उसको जला दिया गया रात 3 बजे बेटी को जला दिया जाता है, खबर नहीं दी जाती है रात को 3 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इनका क्या, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी टोटी पे कोई इंसान फांसी लगा मर जाता है, खास से हिंदू मां से मुस्लिम हम से हो गया है, इंकलाब होगा 22 में बदलाव होगा, जीतता है जनता है, जनता जानती है, बदलाने वाली चीज नहीं चलेगी, ना कोई हिंदू धर्म और मुसलमान का कोई काम चलेगा, अभी नहीं होगा, अभी पूर्वाचल में देखिए आज पहले चरण में 58 सीटों में 50 सीटें समाजवादी की है, और दूसरे चरण में देखिए पता चला आपको कहां से पता चला, मैं उधर ही की सरकार तरफ से हूं ना, खर्राटे काट रही है साइड से, साइकिलता है 300 में था वो तो किया, उसके अलावा भी किया जो मैनिफेस्टो में नहीं था। सरकार इसलिए चली गई कि वो बाद में फंसाए गए, जैसे जो अपना मैनिफेस्टो लाए 2017 में कि हम इन इन काम करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, फिर उसके बाद अगले ज्यादा सारे काम आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो ज्यादा देखिए उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख आपके खाते में आए, 15 लाख आपके खाते में आए, किस कोई बता दे यहाँ पे, कोई आदमी बता दे, कोई आदमी बता दे कि उसके खाते में 15 लाख रुपए आए। नेहरू को प्रधानमंत्री के किस हिसाब से किस गंदा है, किस जमीन के अंदर पूरा है, पूरा गंदा कीचड़ा है, जहाँ पर अभी उस मंत्री के बेटे नेहरू को 3 महीना कोर्ट ने भैया खुद कहा है कि जो टेनी का जो लड़के ने जो धार चलाई है वो अपनी जान बचाने के लिए स्पीड बढ़ाई और उसके बाद में नीचे किसान आ गए, और 120-132 दिन में उसको जमानत मिल जाती है और किसी को जमानत नहीं मिल पाती है, किसानों को किसानों ताना साहिब पक्का लोकतांत्रिक यहाँ से जागरूक हो चुकी है, ऐसी सरकार है खुद कसम संविधान अभी खुद का संविधान।